इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण कई सारे त्योहार और दिवस अधूरे रह गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का जोश भी फीका देखने को मिला। आपको बता दें कि हर साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय होने पर भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दरअसल इस संधि में शिक्षकों के अधिकार एवं जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित सिफारिशें की गई थी। इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्च स्तर शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर भी यूनेस्को की अनुशंसाओं की अंगीकृति की गई थी। पढ़ाई के पेशे को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेजों में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और जैसे कि पिछले माह भी 5 सितंबर को टीचर डे था, उसी की भांति इसकी सेलिब्रेशन भी ऑनलाइन की जा रही है। तो हमने इस स्तर पर निर्णय लिया है कि बच्चों की ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाएंगे और इस दिवस के ऊपर छात्रों के द्वारा सुबह से ही हमें शुभकामनाएं और संदेश प्राप्त होते रहे हैं। और मैंने स्टाफ भी बुलाया था, आज थोड़ी देर पहले मेरी मीटिंग भी हुई थी कि कैसे हम इस दिवस को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इस टीचर डे का यही है कि टीचर्स का पूरे विश्व की शांति में और विकास में क्या योगदान हो सकता है। और इसलिए मैंने अपने टीचर्स के माध्यम से भी ये निर्णय लिया कि जितना अच्छा हो सकता है हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करें, उन्हें विश्व शांति का पाठ पढ़ाएं और आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लिपटने के लिए टीचर्स पूरे विश्व के स्तर पर अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारी चर्चाएं हुई। तो हमारे स्टाफ के कुछ सदस्य इस अवसर पर कुछ वीडियोस तैयार करके YouTube पे भी अपलोड करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो ये संदेश दे सकें कि एजुकेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम कैसे बच्चों के भविष्य को तय कर सकते हैं और एक पूरे विश्व को एक समान गति और विकास देने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से अपने पूरे स्टाफ को और बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी उन बच्चों के द्वारा आज के दिन एक्टिविटीज़ की जाएंगी उनका हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उन बच्चों का जो कॉम्पिटिशन हम करवाएँ तो उसका रिकॉर्ड रख के उसके आधार पर हम कुछ पोजिशन निकालें और जैसे हमें सूटेबल कोई मौका मिलता है तो बच्चों को उसके उपलक्ष्य में कुछ पारितोषिक भी दें।